सात साल का था वरुण एंड हम लोगों ने पहली दिन शूटिंग की थी चलती के 9 से 12 और 7 तारीख को ईद थी, 7 फरवरी को। पहले ईद पे कोई फिल्में रिलीज नहीं होती थी, दिसंबर ईद दे वर नॉट टेकन एज अ बिग डे टू रिलीज अ फिल्म। तो हम लोगों ने रिस्क लेके 7 फरवरी को सोलो ये फिल्म आई थी एंड फर्स्ट टाइम सलमान डबल रोल था एंड डेविड जी एंड हमारा फर्स्ट टाइम ये कम्बिनेशन था एंड वी वर सो सरप्राइज जब वो फिल्म वो रिलीज हुई। पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम द फिल्म एंड जिस दिन रिलीज हुई वो फिल्म उस दिन डेविड जी बताएंगे क्या रिएक्शन था इंडिया से। जिस दिन लगी थी पिक्चर सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन आया था, एक जगह रायपुर, तो वहाँ सुबह 6 बजे का शो होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर फोन आया कि सुबह 6 बजे वो मिल छूटती है उधर और वो रात को वर्कर्स जो निकलते हैं वो पिक्चर देख के फिर घर जाते हैं। तो मुझे वो थिएटर वाले का फ़ोन आया था, मैंने कहा लग गई है, बोला 6 बजे लगी सुबह लेके, कहता जितने अंदर है उतने बाहर है। सो इट गॉट अ ट्रिमेंडस रिएक्शन और सलमान को भी फर्स्ट टाइम उन्होंने मतलब इतना एंटरटेनिंग रोल में देखा, तो ही वॉज वेरी गुड ग्रेट यार। तो जब डेविड जी ने फ़ोन किया था जितने अंदर है उतने बाहर है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि इससे पहले सारे रिएक्शन खराब ही सुनाई देते थे, तो मुझे लगा यार बाहर है तो ये अंदर क्यों नहीं जा रहे। मुझे इनके पास तो लाइन से हिट होती थी। आई रिमेम्बर आई वेंट फॉर दिस ट्रायल एंड सलमान भाई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, ही वाज इन शॉर्ट्स एंड अ गंजी एंड आई कॉल्ड हिम सलमान अंकल एंड ही गॉट वेरी अपसेट। ही सेड आई विल स्लैप यू, कॉल मी भाई, कॉल मी सलमान भाई, फ्रॉम यू कॉल मी अंकल, आई वोंट अलाउ यू इनसाइड द थिएटर, आई डोंट केयर इफ योर डैड सो। एंड फ्रॉम देन आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम सलमान भाई। आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज इन मॉरिशस व्हेन वी वर शूटिंग दैट सॉन्ग तू मेरे दिल में बस जा। आई रिमेंबर हिम ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल द जेट स्कीइंग स्टंट्स दैट दे वुड डू। आई वाज वेरी स्मॉल सो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा वाज नॉट सो मच, बट आई फेल्ट दैट दे वर हैविंग अ पिकनिक ऑनेस्टली। आई वुड सी साजिद सर स्माइलिंग वेरी वेरी हैप्पी, I would see dad very happy going up down here there, Salman bhai is having a good time, so I was not, mere understanding mein nahi aa raha tha ki ye picture ban rahi hai, hum log holiday pe aaye hain. But Varun, you're also being you know called the next Salman Khan and now you're doing a sequel of a film that he's almost done, so you know, do you agree with this comparison? No, I don't think, I think it's very unfair to him to compare me to him. I'm myself only and I'm trying to be myself. Judhwa 2 is a great opportunity. First time in my life I'm playing a double role and honestly I would not be able to do it if these two great people were not behind me and on my side, because playing a double role for any actor is difficult and we're just trying to, I'm just from my point of view, I'm going to put my head down and try to create two characters that are entertaining and that people care for. The Raja and Prem are going to be two fresh characters and hopefully we live up to people's expectations. Gaane kaafi milestone pe today, gaane do hain hamare paas purane, baki sab कौन कौन से वाले सर हैं? चलती है 9 से 12 और ऊंची है बिल्डिंग। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि शूटिंग शुरू करने के पहले एक दिन पहले सलमान भाई ने मेरे घर पे एक कार्टन भेजा था सब जीन्स के फॉर राजाज कैरेक्टर्स एंड ही सेड दैट आई थिंक ऑल दीज जीन्स विल गो विद योर कैरेक्टर, तो आई एम प्लानिंग टू यूज हिज जीन्स इन द फिल्म। I've had some work. Obviously I've spoken, I think dad has spoken, Sajid bhai spoken, we've all spoken to him and that's a personal thing. I mean he's someone that I've known my whole life, so his blessings are obviously all there and I don't want to disappoint him and I don't want to disappoint them also and the audience above that. But which, now which character you find interesting more, Prem both, or both, Raja? both main dono hu to mere ko dono se pyara. मेरी फेवरेट फिल्म इनकी है स्वर्ग, इनको पता है मुझे वो फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है। पूरी जो स्टोरी है या जो भी है इमोशंस है उनके उसमें, आई थिंक ही डज, आई मीन सब लोग उनको कॉमेडी की वजह से जानते हैं बट आई थिंक ही ट्रीट्स इमोशनल सीन्स वेरी वेल, बहुत रियल रखते हैं। जुड़वा में भी वी देर इज़ एन इमोशन इन दिस फिल्म, एक चीज़ स्क्रिप्ट में वो भी है भाइयों के बीच में एंड दैट विल भी इंटरेस्टिंग यू नो। जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस दिन हम लोग ने जुड़वा शुरू किया उस दिन हम लोग, मैं जहाँ भी जाता हूँ आई कीप मीटिंग अ लॉट ऑफ ट्विंस, मैं इतने जुड़वे से मिलता हूँ, मतलब ऐसे आई मीट टू गर्ल्स, मतलब दो बहनें मिल जाती है, कभी दो भाई मिल जाते हैं, सर 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 एंड इट्स सो अमेजिंग जब आप बॉन्ड देखते हो इन दोनों भाइयों के बीच। आई थिंक दैट्स समथिंग जो रियल लाइफ से मैं
गैदर करके फिल्म में डालना चाहते हो एंटरटेनिंग तरीके से? I feel, you know, love is love. It's, I mean, we might be in the generation of technology and everything moving so fast, but when you need to look into a girl's eyes and tell her, like, face to face, and she'll know that you love her only when she sees it in the eyes. That's what I believe in. That's the love that I believe in. So I don't think that should change. I don't think, like, you should send a WhatsApp message and say, I love you, and no one should believe you. You should do it face to face, looking into the eyes. You know, as much as me and Rohit have become big, we tell him that rest now, you don't need to work, but he has that fire in him which is so much that we can't keep him at home. You know, he has to be out there. 45 films. Yeah. Wow. He has to be out there, and he has to be in, like, behind the camera and working. And I think Sajid sir also knows that his enthusiasm is so much on the set that he drives everyone. जैसे अभी अब लोग ये गाना कर रहे हैं गणपति के ऊपर, तो बेफुट नाच रहा हूँ मैं, क्योंकि गणपति बप्पा का गाना है. तो मतलब हिज एंथुसियाज्म इतना है कि मतलब आई एम रेडी टू डांस इवन ऑन कोल फॉर हिम इफ नीड बी. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यू ऑल कीप रिमाइंडिंग मी अबाउट इट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचने नहीं वाला हूँ. यू नो, एज एन एक्टर मैं जब फिल्म करता हूँ तो मैं ऑडियंस के लिए करता हूँ, मैं उनको एंटरटेन करना चाहता हूँ. मेरे दिल में वो थॉट है, तो मैं बस वो पकड़ के चल रहा हूँ. मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं ये फिल्म करूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा, मेरी प्राइस ये हो जाएगी, मुझे ये ऐड मिल जाएगा, ये हो जाएगा मेरे साथ. आई एम नॉट थिंकिंग दैट. इवेंचुअली इंसान को थिएटर के अंदर घुसना है और हंसना है, आपको पसंद करना है या बोलना है कि ये इंसान मेरे को पसंद है. होपफुली दिल कम एंड दे लाइक राजा, दे लाइक प्रेम एंड दे लाइक जुड़वा टू. All time favorite love story film. I love Titanic, something I saw as a kid. But right now, like I said, it's Badrinath Ki Dulhania only for me this Valentine's.